और इस वक्त देखिए तस्वीरें एसएसकेएम हॉस्पिटल की, जी हिंदुस्तान पर खबर सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पैर में चोट आई, नंदीग्राम मौजूद थी, नंदीग्राम से सीधे कोलकाता लाया गया और कोलकाता में एसएसकेएम अस्पताल पहुंची। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी अस्पताल पहुंच चुके हैं और इस वक्त की तस्वीरें उसी हॉस्पिटल की आप देख पा रहे हैं जहां ममता बनर्जी को वार्ड नंबर 12 में भर्ती किया जाएगा। कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल की ये तस्वीरें अब देखिए, अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें आपको नजर आ रही है, वो पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ टीएमसी के कई बड़े नेता वहां पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी इस पूरे घटनाक्रम को साजिश बता रही है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ अभिषेक बनर्जी के पहुंचते हुए, दूसरी तस्वीर वो जिस हॉस्पिटल में ममता बनर्जी को भर्ती किया जाना है, वार्ड नंबर 12 में स्वास्थ्य सचिव खुद वहां पर मौजूद और इसके साथ साथ 6000 पुलिसकर्मी मुख्यमंत्री के इस आगमन के लिए। लेकिन आप समझिए, ममता दीदी की चोट जल्द से जल्द ठीक हो ये सब चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त वोट युद्ध में ममता बनर्जी सबसे बड़ी नेत्री हैं और बंगाल की मुख्यमंत्री है। लेकिन सवाल ये भी कि अगर नंदीग्राम में सुविधा दे दी होती ममता दीदी तो आपको भी इस तरह से भाग कर कोलकाता नहीं आना पड़ता। सैफी इस वक्त मेरे साथ बने, सैफी क्या तस्वीर है आपके पास, कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल से बाहर से आप जुड़े हुए हैं। देखिए माधुरी, मैं आपको बता दूं, देखिए जिस जगह मैं खड़ा हूं ये फर्स्ट फ्लोर है और यहीं पर कमरा नंबर 12 है, ममता दीदी यहीं पर आएंगी, सुरक्षा अलर्ट हो गई है, तमाम जो लोग हैं उनके अधिकारी हो गए। दादा बेफिक्र रहिए, देखिए उनके फैंस यहां पर तमाम आ गए हैं, सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम यहां पर कर दिए गए हैं। मैं जा रहा हूं, वेट प्लीज, मैं जा रहा हूं, उनके तमाम फैंस यहां पर आ गए हैं और यहीं से ममता दीदी एंट्री करेंगे, ये मैं दिखा रहा हूं, यहीं से ममता दीदी एंट्री करेंगे, यहां से बिल्कुल। नहीं, माधुरी यहाँ बात नहीं कर सकते क्योंकि इनका प्रोटोकॉल है, इनके तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो ही बात कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें देख लीजिए जरा आप, ये तस्वीरें मैं कैमरा में से कहूंगा ऊपर करके तस्वीरें दिखाएं। अलर्ट यहाँ पर हो गया है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौके पर पहुंच गया है। अब से थोड़ी देर के बाद ममता दीदी यहाँ पर पहुंचने वाली है, अभिषेक बनर्जी यहाँ पर पहुंच गए हैं, टीएमसी के कई बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसके अलावा मीडिया का पूरा जमावड़ा यहाँ पर लग गया है। ये तस्वीरें देखिए आप, ये जी हिंदुस्तान पर मैं तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ सबसे पहले, और अब से थोड़ी देर के बाद ममता बनर्जी यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। तैयारी पूरी हो गई है, पुलिस अलर्ट हो गई है और ये देखिए, ये तस्वीरें देखिए और उनके फैंस, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाइए, उनके जो तमाम चाहने वाले हैं जैसे जैसे उनको पता चल रहा है यहाँ पर आ गए हैं। इसके अलावा ऊपर देखिए आप, हॉस्पिटल के ऊपर देखिए, यहाँ पर सुरक्षाकर्मी के अलावा जो लोग यहाँ पर मौजूद है, पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, फर्स्ट फ्लोर के सामने वाले रूम में, ये देखिए, ये अपने कैमरामैन से कहूंगा ये तस्वीरें दिखाइए, ये कमरा नंबर 12 है फर्स्ट फ्लोर का, इसी में ममता बनर्जी आएंगी जहां पर आपको ये लाइट नजर आ रही है, यही कमरा नंबर 12 है, यहीं पर इनका इलाज होगा, यहीं पर तमाम एचओडी, डॉक्टर, हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर उनके भतीजे, उनके जो पार्टी के लोग हैं सब यहां पर पहुंच गए हैं और बड़ी तादाद में यहां पर मीडिया का जमावड़ा भी लग गया। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जैसे उनकी खबर मिली यहां पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा मैं ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा हूं आपसे थोड़ी देर के बाद माधुरी, अब से थोड़ी देर के बाद इसी जगह से, जिस जगह मैं खड़ा हूं यहीं से ममता दीदी का काफिला आने वाला है, बस कुछ मिनट की दूरी पर ममता दीदी बताई जा रही हैं। हालांकि काफिला बहुत तेज चल रहा है और तमाम गाड़ियां उनके साथ सिक्योरिटी में लगी है, यहां पर एड हो गए हैं। ये आप देखिए पोजीशन, अपनी जो सुरक्षाकर्मी है उन्होंने पोजीशन ले ली है, यहां पर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं, आला अधिकारी पुलिस के वहां पर भी मौजूद हैं। एक बार फिर अपने कैमरामैन से कहूंगा अंदर की तस्वीरें दिखाइए, एक बार ये तस्वीरें देखिए, यहां पर ये डॉग स्क्वाड है, यहां पर ये पूरी तरीके से जगह जगह की पुलिस व्हील चेयर लेके स्वास्थ्य कर्मी जो है वहां पर खड़े हैं, मुंह पर मास्क लगाया है, हाथों में उन्होंने ग्लव्स पहने हैं, पूरी तैयारी के साथ। प्रवीर मेरे साथ जुड़े हुए, मेरे सहयोगी प्रवीर, दोस्त कहां तक पहुंचा है ममता दीदी का काफिला, क्योंकि आप बता रहे थे लगभग 20 मिनट बाद ममता दीदी पहुंच जाएंगे एसएसकेएम, वहां पर सारी तैयारियां हैं, आप काफिले के सीधे पीछे पीछे चल रहे हैं, अपडेट बताइए। देखिए आर मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में ममता बनर्जी एसएसकेएम हॉस्पिटल पहुंचने वाला है, 5 से 10 मिनट में ममता बनर्जी एसएसकेएम जो हॉस्पिटल है वहां पर पहुंचने वाला है, वहां पे उसका ट्रीटमेंट के लिए सब तरह तैयारी हो चुका है। वुड वन वार्ड जो है एसएसकेएम में, वुड वन वार्ड में 12 नंबर केबिन है, 12 नंबर केबिन में ममता बनर्जी अभी एडमिट होने वाला है, वहां पर उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। अब दिखाई दे रहा है मेरे सामने जो कन्वॉय है वो और थोड़ी देर में पहुंच जाएगा नवान्नो में, नवान्नो का जो ऑफिस है ममता बनर्जी का जो ऑफिस है नवान्नो, और नवान्नो की तरफ जा रहा है कन्वॉय, वहां से ही
दो मिनट में SSKM हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे ममता बनर्जी, तो फिर वहां पे उसका ट्रीटमेंट होने वाला है। सब मिला के पांच मिनट में बनर्जी की बड़ी खबर, जैसा प्रवीर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टीम की सबसे बड़ी खबर किसी भी वक्त कोलकाता पहुंच सकती है। अगले पांच मिनट में SSKM अस्पताल में होंगी ममता बनर्जी, और ममता बनर्जी को लेने के लिए स्वास्थ्य कर्मी व्हीलचेयर लेकर खड़े हैं। तस्वीरें ताजा सबसे आपके सामने, सबसे पहले हम पहुंचा रहे हैं हिंदुस्तान पर कैसे ममता दीदी का काफिला चल रहा है। हमारे रिपोर्टर उस काफिले के पीछे हैं। कैसे ममता दीदी कोलकाता अस्पताल पहुंचेंगी, उस कोलकाता की जमीन पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद है। नंदीग्राम जहां पर ममता दीदी को चोट लगी, वहां हमारे रिपोर्टर मौजूद है और लगातार ममता दीदी की हर एक अपडेट को बंकिस जंग में हमारे रिपोर्टर्स आपके सामने पहुंचा रहे हैं। लेकिन सवाल यह भी कि ममता बनर्जी को चोट कैसे लग गई जब उनके सिक्योरिटी में 4 IPS हैं, जब उनकी सिक्योरिटी में कई लोकल पुलिसकर्मी मौजूद हैं। लेकिन उनका आरोप यह, प्रत्युष हमारे साथ बने हुए, प्रत्युष इज इट पॉसिबल कि प्रदेश की मुखिया मौजूद हो और एक छोटी सी जगह पर, पूरे मेदिनीपुर का वो छोटा सा ग्रामीण इलाका नंदीग्राम, वहां की लोकल पुलिस नहीं हो, इज इट पॉसिबल? देखिए, मुख्यमंत्री को चोट आना या किसी के भी पांव में चोट लगना, जिस वजह से भी चोट लगी हो वो दुखद है। हम यही कामना करते हैं कि ममता दीदी ठीक हो जाए। लेकिन जो सवाल आपने किया माधुरी, जिस पर आप बार बार फोकस कर रही हैं कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आकर उनको धक्का दे दे या मुख्यमंत्री के पांव पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करे? क्योंकि मैं सुबह से ममता दीदी के साथ, जब वो अपने घर से निकली पदयात्रा में थी, मैं लगातार उनके साथ साथ चल रहा था। हमें भी उनके करीब जाने की इजाजत नहीं थी, कैमरा पर्सन को भी दूर जा रहा था। दो लेयर की सिक्योरिटी थी। अगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि यहां पर हमारी सिक्योरिटी कम कर दी गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहां पर सादी वर्दी में भी पुलिस वाले थे, वहां पर वर्दी में भी पुलिस वाले थे, और उनके अपने कुछ सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद थे जो एक घेरा बनाकर चल रहे थे। शाम के वक्त ममता बनर्जी कहती है कि उनको चोट लगी है पांव में। अब ये देखिए, इसमें कम से कम तमाम जितने भी न्यूज चैनल्स हैं उनके कैमरे, यूट्यूबर उनके कैमरे, ममता दीदी के समर्थक TMC उनके कैमरे, इन सबके कैमरे में एक एक चीज, एक एक फ्रेम दर्ज है। अगर ऐसा है, अगर किसी ने धक्का दिया है, अगर किसी ने सिक्योरिटी साजिशन कैसे पैर पे धक्का मार सकता है? लेकिन इस वक्त सैफी हमारे साथ जुड़े हुए SSKM अस्पताल के बाहर से। सैफी, क्या अपडेट आपके पास? देखिए माधुरी, मेरे पास जो अपडेट आ रहा है वो अपडेट ये आ रहा है कि डॉक्टर की टीम अलर्ट हो गई है, तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। दीपेंद्र सरकार है सर्जरी के, वो डॉक्टर हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। सरोज हैं, वो कार्डियो के डॉक्टर हैं, वो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। इसके अलावा सुमित्रा घोष हैं, वो मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। उनके MRI भी होगी, मशीनें बिल्कुल तैयार कर दी गई हैं, और इसके अलावा जो उनकी जर्नल टीम है मेडिकल की, वो यहां पर होंगी। ये तमाम प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि ये बताया जा रहा है उनके पैर में स्वेलिंग है, काफी चोट लगी है और उनको फीवर भी हो गया है। इसके अलावा उनके सीने में दर्द की शिकायत भी मिली है। तो ये तमाम जो डॉक्टरों की टीम है जिनकी निगरानी में ममता बनर्जी का इलाज होगा, उनके नाम मैंने आपको बताए हैं। और मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा, तस्वीरें दिखाइए जरा, ये तस्वीर देखिए, ये कमरा नंबर सामने 12 है, यहीं पर तमाम जो डॉक्टरों की टीम वहां पर है, ये तमाम यहाँ पर रहेंगे। ये तस्वीर आप देखिए, ये कमरा नंबर 12 है, यहीं पर ये डॉक्टर मौजूद है, सारे डॉक्टर मौजूद है, उनका परिवार मौजूद है। दीपेंद्र है सर्जरी के डॉक्टर है, सरोज है कार्डियो के डॉक्टर है, और चित्रा है ये डॉक्टर दीपेंद्र सर्जरी के हैं, और उनका बताया जा रहा है दीपेंद्र सरकार। इसके साथ साथ डॉक्टर सरोज जो हैं वो कार्डियो के डॉक्टर हैं, क्योंकि ममता दीदी को सीने में भी दर्द की शिकायत है। सर्जन दीपेंद्र सरकार, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज, ये दोनों डॉक्टर वहां मौजूद है, और इन सबके, इन दोनों डॉक्टर्स के समेत 7 डॉक्टरों की टीम ऐसी है जो इस वक्त वार्ड नंबर 12 के बाहर तैनात कर दी गई है, क्योंकि वार्ड नंबर 12 में ही ममता दीदी को वहां पर लाया जाएगा। अगले 5 मिनट में ममता दीदी नंदीग्राम से कोलकाता पहुंच जाएंगी, और नंदीग्राम से उनका जो काफिला चल रहा है उसके पीछे पीछे, उसके ठीक पीछे से हिंदुस्तान का काफिला है। प्रवीर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए, प्रवीर क्या अपडेट आपके पास? प्रवीर तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रवीर, लेकिन दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ सैफी, एक तरफ कोलकाता से सैफी हमें लगातार उस हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, वो व्हील चेयर
जहां पर ममता दीदी का वेट किया जा रहा है कि व्हीलचेयर पर ले जाते ही बैठाते ही उनको सीधे वार्ड में ले जाया जाएगा, क्योंकि ममता दीदी बहुत घबराई हुई दिखी। ममता दीदी को सीने में दर्द की शिकायत है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे बुखार है। लेकिन इन सबके बीच सवाल अब भी कि क्या मुख्यमंत्री के सिक्योरिटी में कोई फेल्योर हो सकता है, और अगर है भी तो फिर भी सवाल मुख्यमंत्री से ही बनता है, क्योंकि प्रदेश की मुखिया वो है, प्रदेश की मुख्यमंत्री वो है, तो उनकी पुलिस और प्रशासन ने इतना बड़ा फेल्योर कैसे किया। और हो सकता है कि ममता दीदी को यह हादसा साजिश लग रहा हो, जैसा बीजेपी उन पर आरोप लगा रही है कि हमदर्दी पाने के लिए इमोशनल कार्ड खेल रही है ममता दीदी। लेकिन जो भी हो, इस वक्त हम भी यही चाहते हैं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री है और बड़ी नेता है, जो भी है उनकी चोट जल्द से जल्द ठीक हो, वो हॉस्पिटल टाइम से पहुंचे और उनका इलाज शुरू हो जाए। लेकिन ये कहना कि मेरे खिलाफ साजिश है, मैं इलेक्शन कमीशन से शिकायत करूंगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी इस पे संज्ञान ले चुका है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने नंदीग्राम की स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट भी मांगी है, स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई है कि उस वक्त पे ममता दीदी के साथ कौन कौन मौजूद था, कितने लेयर्स की सिक्योरिटी मौजूद थी। प्रदेश की मुख्यमंत्री है बताया जा रहा है, जैसा हमारे टीम और हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि दो लेयर्स की सिक्योरिटी उनके साथ उस वक्त भी मौजूद थी जब वे सुबह पदयात्रा कर रही थी। आज मुख्यमंत्री पदयात्रा पर निकली थी, लेकिन नंदीग्राम से अभी फिलहाल कोलकाता पहुंचने वाली है। नंदीग्राम में ही जब वो निकल रही थी तो उनका कहना था कि मेरे दो चार लोग मेरे पास थे, उन्होंने मुझे धक्का मारा, मेरे ऊपर गाड़ी बंद कर दी, मेरा पैर सूज गया है, मैं इसकी शिकायत करूंगी, ये साजिशन हुआ है। रोहित, आप काफिले के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इस वक्त आपके पास अपडेट? देखिए, काफिले से तो मैं बहुत पीछे रह चुका हूँ क्योंकि वो ग्रीन कॉरिडोर के थ्रू जा चुकी हैं और चंद मिनटों में वो हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। लेकिन माधुरी, मैं दो पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले, ये अनफॉर्चुनेट है, किसी के साथ भी हो उनके गुड हेल्थ के लिए हम विश करते हैं। सेकंड पॉइंट, चूंकि मैं मंदिर परिसर में था और जो सिक्योरिटी की बात आप कर रहे थे ना, मंदिर में दीदी के आने से पहले ही चारों तरफ से बैरिकेड किया जाता है। इसके अलावा तीन लोगों की टीम आती है जो प्रॉपरली चेक करती है, जहां पर एक एक कंसर्न्स को चेक किया जाता है। इतना ही नहीं, मैं उस समय लाइव वो विजुअल्स दिखा रहा था, अंदर में मंदिर परिसर के अंदर 12 पुजारी थे, जिनमें से सिर्फ एक पुजारी मेन जो थे उनको और उनके साथ जो सहयोगी पुजारी थे उनको छोड़ के बाद बाकी जितने पुजारी थे जो पूजा कराने के लिए थे उन सबको बाहर कर दिया गया। ये सिक्योरिटी अलर्ट था एक सीएम के प्रोटोकॉल को देखते हुए। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो मंदिर जा रही है तो क्या उनके साथ जो मौजूद सुरक्षा कर्मी थे, क्या उन्होंने अंदर जाके जांच नहीं की होगी? लगातार कोलकाता कैसे स्कीम के बाहर है, क्या माधुरी यहाँ पर कुछ हलचल है? मुझे लग रहा है कि कुछ हलचल है और शायद अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर ममता दी आने वाली है। मैं एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहूंगा, जरा तस्वीरें दिखाएं, जूम करके तस्वीरें, कुछ हलचल हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो एकदम अलर्ट पर हो गए। जरा दिखाइए, अंदर दिखाइए, ये तस्वीरें दिखाइए आप, रंजीत कैमरामैन से कहूंगा, तस्वीरें दिखाइए आप, ये देखिए, ये अलर्ट की तस्वीरें हो गई हैं। तमाम अलर्ट हो गए हैं, सुरक्षाकर्मी भी अलर्ट हो गए हैं और हलचल तेज हो गई। यानी कुछ ही मिनटों में, ऐसा लग रहा है कुछ ही मिनटों में ममता दीदी यहां पर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदीप रॉय वहां पर मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं। प्रदीप रॉय मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं जो ममता दीदी के काफिले के साथ हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहूंगा कहां तक पहुंचे आप अभी? प्रवीण, कहां तक पहुंचे आप? सैफी, वापस आते हैं आपके पास। प्रवीण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रवीण, विश्वास, प्रवीण, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? कहां तक आपका काफिला पहुंचा है? लगातार खबर आ रही है कि ममता दीदी अगले 5 से 10 मिनट में कोलकाता के एसएसकेएम पहुंचने वाली, तैयारियां लगातार दिख रही। प्रवीण, क्या अब तक आवाज पहुंच रही है? मैं भी लगता है आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं वो समझ लीजिए, ये जो व्हील चेयर लेकर स्वास्थ्य कर्मी खड़े हैं, ये वेट कर रहे हैं और ये अलर्ट पर भी हैं। जैसा सैफी हमें समझा पा रही थी कि हॉस्पिटल में हलचल शुरू हो गई है, ममता दीदी का जो काफिला है वो अब शायद उनके पास सिक्योरिटी के पास ये अलर्ट आ चुका होगा कि बस पहुंच गया है, इसी वजह से अलर्ट वहां पर कर दिया गया है। तमाम जो पुलिसकर्मी है वो खड़े हैं, तमाम जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अलर्ट पर है, और इन सबके बीच अगले 5 मिनट में वार्ड नंबर 12 में भर्ती कर दिया जाएगा ममता दीदी को। अभिषेक बनर्जी उनके भतीजे जो है वो पहुंच चुके हैं, टीएमसी के कई बड़े नेता मौजूद है। इस वक्त एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूं। बंगाल की इस बड़ी खबर पर लगातार जी हिंदुस्तान की कवरेज जारी और सबसे बड़ी टीम ग्राउंड पर जी हिंदुस्तान के साथ आप देख रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।
बिल्कुल, मैं सीधी ग्राउंड जीरो से तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जरा दिखाइए अपने कैमरामैन से, कहूंगा रंजीत जरा तस्वीरें दिखाइए। ममता दीदी अब से थोड़ी देर के बाद यहां पहुंचने वाली है। देखिए हलचल तेज हो गई, काफिला आ गया है। मैं कहूंगा आइए वापस आइए, ब्रेक तोड़िए। कम देखिए, ममता दीदी का काफिला यहां पर पहुंच रहा है, ये तस्वीरें देखिए, ममता दीदी का काफिला यहां पर पहुंच गया है। ये तस्वीर आप देखिए, सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। ये देखिए तस्वीरें, ये ममता दीदी का काफिला पहुंच गया है। लोगों में जोश है, देखिए यहाँ पर कुर्सी लाई गई है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि ये सीधी तस्वीरें देखिए, ये नारेबाजी यहाँ पर होने लगी है। ममता बनर्जी के आने से नारेबाजी होने लगी है, कुर्सी लाई गई है। मैं जो तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिए, ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। ममता दीदी यहाँ पर पहुंच गई है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, बीजेपी यहाँ पर पहुंच गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, व्यक्ति भी यहाँ पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, सीधी तस्वीरें देखिए, सबसे पहले जो तस्वीरें जी हिंदुस्तान आपको दिखा पा रहा है, ममता दीदी के लिए वही व्हील चेयर ले जाई गई है उनकी गाड़ी के बाहर, क्योंकि ममता दीदी के पैर में चोट है, वो तकलीफ में है, उनके साथ हादसा हुआ है, वहां पैर में चोट लगी है, जिसे ममता दीदी साजिश भी बता रही है, शिकायत करने की बात कर रही है। लेकिन टीएमसी के नेता भी मौजूद है, दिख रहा है कि कैसे अपने और उनके कार्यकर्ता दिख रहे हैं कैसे अपनी नेत्री से मिलना चाहते हैं। ये तस्वीर सबसे पहले जी हिंदुस्तान एक्सक्लूसिव ममता दीदी को भी चेयर पर बैठा कर ले जाया जा चुका है। और इन सबके बीच ये भी बता दें कि वार्ड नंबर 12 में हमसे कुछ देर में ममता जी को भर्ती कर दिया जाएगा, जहां सर्जन डॉक्टर दीपेंद्र सरकार मौजूद है, कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सरोज मौजूद है, और उनकी सात डॉक्टर्स की टीम इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं, बंगाल के चुनाव से जुड़ी। लेकिन बंगाल के चुनाव के बीच सियासी घमासान और तेज होगा, क्योंकि ममता दीदी ने इसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन से करने को कही है। देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ममता बनर्जी इस वक्त गाड़ी से निकल गई है और वहां पर तमाम जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं उनके लिए यहाँ पर, ये देखिए ये गाड़ी से, ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको मैं। ममता बनर्जी इस वक्त गाड़ी से निकल गई है, नीचे उतर गई है, डॉक्टर उनके साथ है, ऐसा लग रहा है जैसे चोट उनको काफी लगी है, इससे महसूस हो रहा है कि उनको चोट काफी ज्यादा लगी है, और उनके कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ये तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ जी हिंदुस्तान पर, ये मैं सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूँ एक्सक्लूसिव। उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनमें काफी ज्यादा नाराजगी है, यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। ममता बनर्जी अपनी कार से उतर गई हैं, ये तस्वीरें देखिए, ममता बनर्जी मीडिया की तरफ आती हुई ममता बनर्जी की तस्वीरें देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, ये देखिए, ये मीडिया से अलग होते हुए ये अब हॉस्पिटल की तरफ जाती हुई है, और ये देखिए ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सीधा अंदर जा रही है, इस वक्त ममता बनर्जी अंदर जा रही है, तमाम लोग उनके साथ मौजूद है, और ये अब ये देखिए तस्वीरें जा रही है, हालांकि उनको स्टेज पर बिठा के लेके जाएगा जा रहा है, और चूंकि वो चलने की कंडीशन में नहीं है, ममता बनर्जी चलने की कंडीशन में नहीं है, उनको बिठा के लेके जाया जा रहा है, और ये सीधा उनको कमरा नंबर 12 फर्स्ट फ्लोर पर, अस्पताल के फर्स्ट फ्लोर पर कमरा नंबर 12 में लेके जाएंगे। ये तस्वीरें देख लिए, ममता बनर्जी इस वक्त अंदर जा चुकी है, अपने कैमरा में से कहूंगा दिखाइए, जरा पीछे की तस्वीरें दिखाइए, ममता बनर्जी जा चुकी है, और इनके समर्थकों में यहां पर नारेबाजी हो रही है, ये देखिए ये नारेबाजी हो रही है, ये उनके समर्थकों में नारेबाजी हो रही है, और क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल भी पैर रखने की तक की जगह नहीं है, मूविंग की जरूरत नहीं है, बैरिकेड के ऊपर हम लोग इस वक्त चढ़े हुए हैं। ये तस्वीरें सीधी मैं आपको सीधे कोलकाता के SSM अस्पताल से दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा लोगों में नाराजगी है, और देखिए उनके चाहने वाले, उनके जो ममता बनर्जी के चाहने वाले हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर आ गए हैं, उनके चाहने वाले यहाँ पर पहुंच गए हैं, और यहाँ ये सीधी तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। काफी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वहां पर लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, हालांकि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं, लगातार ट्वीट पर ट्वीट हो रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव का ट्वीट हो, चाहे आपका दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट हो, लगातार ट्वीट के जरिए कर रहे हैं। और इसके बाद दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनमें नाराजगी है, और ठीक है कुछ लगे कहूंगा तस्वीरें देखिए, नारेबाजी और
और सबसे बड़ी बात, जैसा सैफी हमें तस्वीरें लगातार दिखा पा रहे हैं, देखिए जी हिंदुस्तान की टीम मौके पर मौजूद है, इसीलिए तस्वीरें लगातार आपके पास, जी हिंदुस्तान पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। ममता दीदी को स्ट्रेचर पर लेकर बाहर जाया जाएगा और हॉस्पिटल के कमरा नंबर वार्ड नंबर 12 फर्स्ट फ्लोर पर ये तस्वीर सबसे पहले दिखाइए। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं इसी हॉस्पिटल में, इसी कमरे में, इसी जगह पर ममता बनर्जी रहेंगी, इसी जगह उनका इलाज होगा, इसी जगह पर सारे डॉक्टर होंगे। ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के दर्शकों को, यहाँ पर ममता बनर्जी एडमिट है इसी कमरे में। अपने कमरे में सबको थोड़ा सा जूम करके दिखाएं, यहाँ पर तमाम डॉक्टर मौजूद हैं, उनके भतीजे मौजूद हैं, उनकी पार्टी के नेता मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर एक के बाद एक। ये तस्वीरें देखिए, यही फ्लोर का कमरा है जहाँ पर ममता बनर्जी का इलाज इस वक्त शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर के बाद ममता बनर्जी का इसी हॉस्पिटल में इसी कमरे में, कमरा नंबर 12 में इलाज होने वाला है। तमाम डॉक्टरों की जो टीम है यहाँ पर मौजूद है, उनके चारों में तमाम गुस्सा है। ये तस्वीरें देखिए, ये जी हिंदुस्तान पर तमाम तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, उनके लोगों में तमाम गुस्सा भी है, नाराजगी भी है। यही वो हॉस्पिटल का कमरा है जहाँ पर ममता बनर्जी का इलाज होगा, यही जो तस्वीरें दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जितने भी लोग हैं वहां पर बड़ी जबरदस्त तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, हर तरफ नारेबाजी कर रहे हैं। अपने कैमरामैन से गंगोदर की तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, तमाम मीडिया का जो कैमरे हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, उनके जो दर्शक हैं, उनके जो फैंस हैं, उनके जो वोटर्स हैं, उनके अंदर तमाम गुस्सा है। और ये गुस्से की तस्वीरें मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप हिंदुस्तान में दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीछे की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर भी इधर भी तमाम नारेबाजी हो रही है। ये देखिए, ये नारेबाजी हो रही है। जब से उनकी चोट लगी है, पूरे कोलकाता के अंदर उनके टीएमसी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। इस तरह की तस्वीर अब से कुछ देर के बाद बन रही है। ये देखिए हॉस्पिटल में देखिए, तमाम लोग शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन से कहूं दिखाइए, ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, लेकिन उनके चाहने वाले शांत नहीं हो रहे हैं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए हॉस्पिटल है, आप लोग भी ध्यान रखिए, हॉस्पिटल है, प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर आपको किस बात की नाराजगी है भाई? ये हॉस्पिटल है दोस्त। देखिए, ये लोगों की नाराजगी है, अधिकारी तमाम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, ये देखिए तमाम, मैं कैमरा में सकूंगा, दिखाइए पुलिस के अधिकारियों को दिखाइए। ये पुलिस के अधिकारी यहाँ पर आ गए, इनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल है, सबको शांत कर रहे हैं कि हॉस्पिटल है, यहाँ की तमाम लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है। ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखिए, ये जी हिंदुस्तान पर अपने दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एक के बाद एक सीधी तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें सीधी आप सीधी तस्वीरें देखिए, जी हिंदुस्तान पर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। उनके लोगों में नाराजगी है, कोशिश करूंगा कि मैं आपसे उनसे बातचीत करा सकूं, मैं कोशिश करूंगा कि उनकी तस्वीरें दिखाऊं। ये देखिए ममता दीदी के जो चाहने वाले हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। आपको किस बात को लेकर नाराजगी है? आज जो ममता बनर्जी के साथ जो चीज हुआ है बहुत गलत चीज हुआ है। आज हम लोग यहाँ पे, हम पूरा आवाम है, पूरा बंगाल के आवाम है, और हम लोग यही प्रश्न उठाना चाहते हैं कि जो आज चीज किया है बीजेपी, ये चीज हॉस्पिटल है, आप लोग इतनी नाराबाजी कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस गाइडलाइन को मानते हैं, ये हॉस्पिटल है, हम लोग को इस बात का शर्म है जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी साजिश कर रही है, जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी लड़ाने की कोशिश कर रही है। और ये ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर मानते हुए, पश्चिम बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर कैसे जी, हमारा भवानीपुर देखे ममता बनर्जी वोट, हम लोग ये बात को समझते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए हम लोग यहाँ बीजेपी से जवाब लेने आए हैं कि बीजेपी को जवाब देना होगा, नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना होगा। किस बात का जवाब लेंगे? के ऊपर जो हमला किया गया है दोस्तों, उनके पास तो सिक्योरिटी थी बड़े लेवल पर। ममता बनर्जी के ऊपर हमला क्यों किया गया है भाई? उनके पास तो सिक्योरिटी थी, हमला कौन करेगा? हमला बीजेपी के लोग किए हैं, बीजेपी के साथी से। ये
तमाम लोग हैं देखिए, तमाम लोग हैं जो उनके उनके जो फैंस हैं यहाँ पर। हालांकि इनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है कि हॉस्पिटल है, इनसे हमने बार बार रिक्वेस्ट की है, जी हिंदुस्तान पर भी हमने कई बार रिक्वेस्ट की है कि हॉस्पिटल है, इसका आप डेकोरम मेंटेन कीजिए। लेकिन ये लोग नारेबाजी करने से बाज नहीं आ रहे, इनका गुस्सा है, इनकी नाराजगी है। देखिए, इन्होंने कहा कि वो ममता बनर्जी के सपोर्टर हैं, लेकिन हॉस्पिटल का भी तो प्रोटोकॉल है। नहीं प्यार अब ठीक है, प्रदर्शन चल रहा है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को मानते हैं, हम लोग बंगाल गवर्नमेंट, थोड़ा नीचे कैमरा, मेरा कैमरा, लेकिन हॉस्पिटल में नारेबाजी हम लोग जानते हैं, हॉस्पिटल में नारेबाजी, लेकिन हम लोग यहाँ से निकल जा रहे हैं।